नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर में सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने चुनाव प्रचार में निकल चुके हैं और अपनी अपनी जीत के लिए जनता से मुलाकात और समर्थन मांग रहे हैं। इसी के साथ सुल्तानपुर विधानसभा 188 बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर डीएस मिश्रा ने विरोधियों पर जमकर बोला हमला। योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, युवाओं के, गरीबों के, किसानों के यहाँ विरोधी है। उन्होंने कहा कि किसान जिस प्रकार से गांव में छुट्टा जानवरों से परेशान है और कहा गांव के लोग दिन में काम करते हैं और रात में खेती अपनी रख आते हैं, ऐसा कहा का न्याय है, ऐसा कहा का न्याय है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, कहां से लाएंगे, सबको फ्री में क्या क्या चीज दे देंगे। उन्होंने कहा 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। हरिकेश यादव की रिपोर्ट। जी सर, जैसे कि जनता में आप जा रहे हैं, कैसे समर्थन आपको मिल रहा है? जनता का समर्थन हर वर्ग का, हर जाति का, हर संवर्ग का, किसान मजदूर का और बड़े से बड़े लोगों का, सबका समर्थन मेरे साथ है। सभी लोग एक अच्छे प्रत्याशी की तलाश में थे। लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप आए हैं, मैं आपके साथ हूँ और आपको मैं वोट करूँगा। सर, जैसे कि देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा सुल्तानपुर में युवा बेरोजगार हैं, आपकी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए क्या रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर हमारा जनपद उद्योग विहीन है, युवा बेरोजगार हैं। पिछले इतने दिनों की सरकारें उस पर ध्यान नहीं दी हैं। हमारे विधायक बनने के बाद, जब मैं विधायक बनता हूँ तो निश्चित तौर पर अपनी विधानसभा में पूरे जनपद में उद्योग के लिए, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री हो चाहे हैवी इंडस्ट्री हो, मैं लाने का प्रयास करूँगा। खेल मैदान से और इस तरह के छोटे छोटे उपक्रम करके जो युवा हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करके, जिससे वो फौज और पुलिस में अपने भर्ती हो सकें, इस तरह की चीज़ों का मेरा प्रयास होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा युवा जिससे रोजगार पा सकें, स्वरोजगार, जो नौकरी नहीं कर सकते हैं या नौकरी नहीं पा सकते हैं, वो अपना रोजगार करें, ऐसे उद्यम करने की व्यवस्था करूँगा। सर, जैसे गाँव में देखा जा रहा है कि मतलब किसान जो है एकदम छुट्टा जानवरों से परेशान है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? गाय गोरु तो ऐसे ही बीजेपी को चढ़ गई है, तो आज कहना ही नहीं है। आप समझिए, जिधर जा रहा हूँ वहाँ सारे गांव, अभी शाम को चलिए तो सारे गांव के मर्द जो है वो जाकर के खेत खलिहान में गाय गोरु रखा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और मैं इस बात को वो करता हूँ कि इस सब समस्या के लिए बीजेपी का जो बंटाधार होना था वो हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है उसके लिए किसी भी रूप में, मतलब जो है। और बाकी सपा की जो हालात हैं वो हालात सबके सामने हैं। जैसे ही पब्लिक देखती है कि सपा आने को अगर सोचती है तो गुंडा राज की उसको दिख जाता है। इसलिए निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है और इस बार जो है बहन कुमारी मायावती जी अपना सत्ता संभालेंगे। अभी 12 तारीख की बात। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे है, जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, क्या ये हवाई है कि मतलब मुद्दे क्या कहना? देखिए, मुझे तो अब ऐसा है कि सत्ता के उसमें इतने लोग बह जा रहे हैं कि क्या क्या फ्री देंगे। अभी बीजेपी आई, सबके खाते में 2-4 हज़ार रुपये डाल रही है। आखिर क्या ये 2000-4000 रुपये इससे आप वोट खरीदना चाहते हो? क्या ये लालच प्रलोभन दे करके आप करना क्या चाहते हो? इस देश को ले कहाँ जाना चाहते हो? कब तक फ्री बांटोगे? कितना फ्री बांटो बता दो, सब लोग घर बैठे हैं, आप उनको खाना खिलाओ। आखिर आएगी जनता के पास, सरकार के पास धन कहाँ से आएगा? जनता का ही कानून मिटेंगे ना। 100 रुपये की जगह 200 रुपये तेल कर देंगे, 200 रुपये की जगह 300 कर देंगे, फ्री बांटो। फ्री बांटना कोई विकल्प नहीं। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने घोषणा पत्र या किसी भी तरह इस तरह से झूठे आश्वासन नहीं दिए हैं। हाँ, ये निश्चित है कि जो गरीब होगा उसको जो सुविधा होगी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।